नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई सामने ट्रैक्टर है सोनालिका DI-55 और भाई इस खेत में जुताई करने आए और हम भी भाई इसकी वीडियो बनाने आएगा, ताकत वाकत देखेंगे कैसी है। तो ताकत देखने का तो मौका ही नहीं लगा क्योंकि ये पहले ही टिलर तोड़ बैठे। भाई मैं एक चीज़ दिखा दूँ, 3-4 फेरे मारे इन्होंने और स्प्रिंग सी कहाँ गई भाई, वो तोड़ स्प्रिंग निकाल दी नौके टिलर पर। तो भाई कुछ ताकत के बारे में बता रहे हैं ये भाई, क्योंकि पहले से ही सोनाली का चलाते आ रहे हैं, पहले 750 है इन पे, अब DI-55 फोर व्हील ड्राइव 16 के टायरों में लेकर आए। अच्छा राम राम भाई कृष्ण भाई, तो भाई क्या कहना चाहो ट्रैक्टर के बारे में यू बताओ, ट्रैक्टर अपने कितने संतुष्ट हो इसकी ताकत से? इसकी ताकत से हम ज्यादा संतुष्ट हैं। ज्यादा संतुष्ट हो? अच्छा, मतलब जितनी औकात है ज्यादा ताकत लगा दे है। अच्छा उससे भी ज्यादा। भाई ये बता रहे हैं कि लगभग ये 70-80 हॉर्स पावर तक भी चला जाए, सही है जी? हाँ। जैसे तुम बता रहे क्या, वैसे तो 55 हॉर्स पावर क्लेम कर रही है कंपनी इसे, और हो सके 60 हॉर्स पावर भी हो, क्योंकि कंपनी 2-4-6 HP घटा बढ़ा के भी बतावे, कुछ अपना उनका कुछ मामला हो है। और भारी भी काफी है ट्रैक्टर, एक चीज बता दूं भाई, काफी बड़ा इंजन, 4 सिलेंडर और वजन काफी ज्यादा। हाँ तो भाई ये बता रहे हैं कि ताकत के मामले में इतना हैवी है कि किसी और कंपनी का ट्रैक्टर शायद ही ना लग पाए इसके संग, ऐसे ही है जी? या HP को, या HP रेंज को। हाँ भाई, जो इस HP कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं, मानो जैसे कोई भी ले लो और अदर कंपनी का ट्रैक्टर, इसके सामने लग ना पाएगा। और खासकर भाई का कहना है कि भाई जी 855 का ज़्यादा करता है, ऐसे ही है जी? तो 855 की कह रहे हैं कि भाई खुला चैलेंज है, कोई भी भाई आओ, हैरो पे चलाओ, टिलर पे चलाओ, और भाई किसी चीज पे चला लो, चाहे टूचन कर लो, टू व्हील फोर व्हील ड्राइव में खचेड़ खचेड़ का मारेगा जो, ऐसा ही है जी? तो भाई 855 वालों से क्या मामला है जी तुम्हारा, यू बताओ। हमारा तो कुछ भी मामला नहीं। अच्छा ना, उसे भी तगड़ा ट्रैक्टर बता। मैं हल्का बता रहे हैं। हाँ तगड़ा ट्रैक्टर है वो भी भाई, तगड़ा 855 को भी बता मैं, क्योंकि 855 वालों ने ज्यादा गर्दा काट रखा, सही बताऊं, यूट्यूब पे भी, हर जगह फेसबुक पे भी देखी होगी, ठंडे में इस टाइम। हाँ खेत मालिक से तो मिल लो, खेत मालिक तो खुद परेशान है बेचारा, कल्टीवेटर टूट जा, और भाई या खेत में, इस खेत में कोई जुताई करने को तैयार ना, ये आए अपने दम पे कल्टीवेटर लेके और ट्रैक्टर ने तोड़ दिया कल्टीवेटर टिलर, तो इसमें तोता हल तो काम कर सके, ठीक है जी। अच्छा कितने दिन हुए इसे लिए हुए अभी? अब 2 महीना हो गए। 2 महीना, इससे पहले 750 चला रहे, तो कुछ अंतर दिखाई दिया जी 750 में और इसमें? हाँ खेंच में बहुत अंतर है, आखिर अंतर है खेंच में, फोर व्हील ड्राइव की वजह से बाकी अंतर है, टू व्हील में भी अंतर है, फोर व्हील को तो बात ही अलग है। अच्छा फिर तेल का खर्चा ज्यादा होएगा? तेल का खर्चा कम है, कम है भाई, तेल का खर्चा कम और ताकत ज्यादा है तो यू भी बेहतर है। और जैसे इसमें और फीचर दिए हैं, जैसे ABC गियर बॉक्स में है, शटल शिफ्ट, तो ये काम भी आ रहे हैं, कंपनी वैसे ही भीड़ रही है, सब काम आ रहे हैं। अच्छा तो फोर व्हील ड्राइव में लेने का मन कैसे बना यू बताओ, मतलब शौक में लिया है काम के तौर पर? शौक में ना लिया रिंकू भैया, तुम्हें पता जब मेरा ट्रैक्टर 750 पिछली दीदा फंस गया। हाँ अगले सीजन में 4x4 लाना है। हाँ क्योंकि भाई जब एक बार धान का घोल कर रहे हैं, और इनका जो पहले ट्रैक्टर वो भी नया ही है, नया निकाला, 2-3 साल चला के बेचा है वो, और वो फंस गया एक घोल में, जो धान में घोल बना में है, तो भाई कम से कम 4-5 घंटे लग गए ट्रैक्टर निकालने में। सादा ट्रैक्टर हाँ इतनी बुरी तरह से फंस गया ट्रैक्टर, और इसलिए लाए फोर व्हील ड्राइव। हाँ मरघाट ना दिख रहे ऐसा कर, हाँ वाकई में बिल्कुल अंदर, और रूटावेटर भी अंदर, समझे जी। फिर जब निकाला वो ट्रैक्टर जाके, तो भाई ट्रैक्टर बता रहे हैं काफी धांसू दमदार है, और तेल का खर्चा भी कम है इसका, एक चीज बता दूं, और बहुत तगड़ी ताकत लगावे है भाई, ये बता रहे हैं। तो भाई आप भी बताइए किसी के पास ये ट्रैक्टर होगा कैसा दम दिखावे, बाकी दम तो इसका मैंने भी देखा तगड़े वाला लगावे है, और फोर व्हील ड्राइव में काफी हैवी मटेरियल के साथ बना हुआ, और बम्पर इन्होंने खुद बनवा के लगवाया, तो बम्पर की और बताओ यार। बम्पर गांव में ही बनवाया, गांव में ही बनवा लिया सतवीर मिस्त्री से, कितने रुपए में पड़ा यू? 13,000 रुपए, तो सस्ते में ही बनवा दिया जी। वजन 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 1 क्विंटल 15 किलो, तो वजन भी खूब है। अब बम्पर से सेफ्टी हो जाए, मानो ट्रैक्टर कहीं ट्रॉली के पीछे लगाना हो या कुछ आके ही लग जा, तो ज्यादा बेहतर है। तो सोनाली का बेस्ट लगा तुम्हें, 1.35 भी ले आए। हाँ। वो क्यों लाए, छोटे मोटे काम को? अच्छा ट्रॉली पे 1.35 ले आए, और एक ये रूटावेटर 8 फीटा चला रहे हो इस पे, तो 8 फीटा पे दबता ना होएगा, 24 भी है वो स्वराज है। अच्छा 8 फीटा पे दबता तो ना आयु,
आठ फिटे पे दोनों लीवर गिरा के, सुनो 1500 के एम्पियर पे छोड़ के, हाँ पट खेत पे, अच्छा दोनों लीवर डाउन करके ट्रैक्टर से नीचे उतर जाऊंगा, एम्पियर चेक कर लियो। हाँ मतलब जो जेनुअन तोड़े 150, 40 या 100 इतने तो तोड़ कर चले ही है ट्रैक्टर, थोड़े बहुत लेकिन बढ़िया चले है भाई, यूँ बता रहे हैं किसान के हित का ट्रैक्टर है जी है। मानो किसी का काम थोड़ा ठीक ठाक हो, भारी इतना है कि एक हाजीपुर को अभी परसों एजेंसी पे आया सर्विस करवाने 22 मॉडल 50, अच्छा सर्विस हो गई, हाँ फोर व्हील ड्राइव खड़ो 55, हाँ बोला कि चाबी दिखाई हो तना, अच्छा माल तुसार ने दे दी देख लो, हाँ पेंट तक चक्कर मार के आया एजेंसी से, अच्छा आगे बोला यहाँ भरने में लगा और यहाँ ट्रैक्टर दो, यहाँ दो एक घंटा में ट्रैक्टर लेगा। हाँ देख शौक की बात और देखो काम की भी बात है, 600 घंटा चले हुए छोड़ बस, हाँ। अच्छा जी उखाड़ा बोले सर, अरे ट्रैक्टर की लुक भी तो जबरदस्त है, देखने में एकदम हाथी की तरह लगे है, बहुत तगड़ा। तक हाँ एजेंसी पे तीन महीना ही हुई है एजेंसी पाई को यहाँ, हाँ 3-4 महीना ही 5 ट्रैक्टर दे चुकी है, हाँ ट्रैक्टर तो काफी बिक रहे हैं ये DI-55 4 दे चुकी सोनी ली का। अच्छा जैसे 16 के टायर 16 में जावे 14 में भी आता होगा फोर व्हील ड्राइव में? ना 14 में ना, 14 में ना 16 में ही है, तो 16 के टायर पे कुछ ज्यादा दम दिखा रहा, हाँ, अच्छा 55 जो 16 में ही है, 16 में ही है, टू व्हील ड्राइव में आता होगा 14 में, हाँ भाई पीछे, अच्छा वो भी ना पीछे 16 के हैं और आगे 9-5-24 वाले लगे हैं भाई इसमें चक्के जो हैं, और फोर व्हील ड्राइव में आवाज आवाज तो ना करे ना, बहुत से जैसे घुर 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 की आवाज करने लगे हैं, अच्छा सुई सु और वैसे बढ़िया, मतलब हाँ, इंजन की आवाज और बदल जा, 4x4 लगता है इंजन तो आवाज बदल जा, हाँ भाई काफी धांसू दमदार बता रहे हैं, और एक चीज और बता रहे हैं कि कोई भी टक्कर पे ना इस ट्रैक्टर की पे प्यारी आवाज, हाँ किसी ट्रैक्टर की ना करियो भाई, स्टार्ट करो तो देखें आवाज में, ये देखो भाई क्योंकि 4 सिलेंडर है तो बहुत बंधी हुई आवाज निकाले वाकई में ही, और अभी कितने घंटे चला होएगा जी देखिए, कितने घंटे चलाओ अभी 200 कुछ घंटे चलाया अभी ट्रैक्टर, और काफ़ी बढ़िया तरीके से चला, मैं अपना भी काम कर रहे हैं भाई, बाहर का भी कर रहे हैं, बंद कर लो बंद कर लो। तो किशन भाई फुल मजा दे रहा ट्रैक्टर है, हाँ जी हमारे ताई तो फुल दे रहा हूँ फुल, हाँ देखो यूं ही होना चाहिए कि मानो ट्रैक्टर लेकर दिल भी खुश हो जाए, हाँ जो सोच के लियो हकीकत में ही वो चीज निकली है, हाँ ये देसी बनने मगर हाँ हकीकत में दिल खुश है, देखो इतने पैसे डाले किसान और दिल खुश रहे तो ज्यादा बेहतर, और वो लाने के बाद आदमी सोचे यार पैसा भी चलेगा और मजा ना आए, हाँ तो बेकार है फिर, हाँ तो भाई वाकई काफी शानदार बता रहे हैं ट्रैक्टर को, और है भी काफी शानदार सही बताऊँ तो, और बम्पर भाई कंपनी देती ना इसमें तो बम्पर अलग से लगवाया इन्होंने फोर व्हील ड्राइव की वजह से, हाँ और इसमें वेट भी ना आते, सादा वाला जो आवे उसमें वेट भी लगे आम में पीछे 35-35 किलो की प्लेट, तो भाई वीडियो इसकी कल्टीवेटर पे भी बनाई, कल्टीवेटर टूट गया तो इस वजह से वो वीडियो भाई ठीक से ना बन पाई, बाकी डालेंगे उसे भी, और सोनालिका का अपना इंडियन ब्रांड है भाई और मार्केट में काफ़ी तगड़ा दबदबा बनाए हुआ है ये वाली कंपनी, तो भाई वीडियो जैसी भी लगी एक बार कमेंट जरूर करना, और भाई वीडियो को लाइक भी करना शेयर भी करना, और भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ऐसी शानदार शानदार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।